Hey guys, कैसे आप सब? Welcome to my channel Poo Vlogs. सबसे पहले तो thank you so much to all the people of Tripura जिन्होंने भी comment किया है, क्योंकि last video जो मैंने बनाया था त्रिपुरा का एक बहुत ही popular item मैंने बनाया था जो कि है वाहन मोसदे. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. पूरा कमेंट सेक्शन त्रिपुरासा पीपल से ही भरा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे. कमेंट सेक्शन आपका है गाइस, सो आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन से स्टेट का डिश देखना चाहेंगे और जिसमें ज्यादा कमेंट आएगा. आई मीन जैसे कि आपको बोरो फूड देखना है, तो बोरो लोग अगर ज्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे बोरो डिश बनाना पड़ेगा. तो इसीलिए आज के वीडियो में फुल कमेंट करिए, देखते हैं किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका ज्यादा कमेंट आता है. कुछ भी रिक्वेस्ट आएगा मैं बनाने के लिए रेडी हूँ. तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी. ओ हो हो पापा जी, चिकन बिरयानी इतना मुश्किल डिश है कि उसको खाने के लिए हम लोग को या तो रेस्टोरेंट जाना पड़ता है या तो किसी के हाथ का बनाया हुआ खाना पड़ता है. लेकिन फिकर नॉट, व्हेन आई एम हियर ऑब्वियसली जो ऑथेंटिक बिरयानी है उसके साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बनाने में आई थिंक एक पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि बहुत ही स्लो कुक करते हैं, बहुत सारे फ्रेग्रेंट मसाले डालते हैं. बिरयानी का बर्तन कहाँ से लाए? बिरयानी का बर्तन जरूरी नहीं है, आपके घर में कढ़ाई है ना, तो आप बिरयानी बना सकते हैं. तो आज मैं कढ़ाई में आपको बिरयानी बना के दिखाऊंगी. तो बिरयानी के लिए मैं राइस यूज करूंगी, इंडिया गेट बासमती राइस, फीस्ट रोजाना. तो आप कोई सा भी राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस यूज कर सकते हैं, और ये सबका घर में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुआ. तो मैं डालूंगी 2 पुआ, यहाँ से अंदाजा हो जाता है, सबका अपना अपना पुआ होता है, उस हिसाब से आप डालिएगा. 1 पुआ 2 पुआ कम नहीं होना चाहिए बस. तो हम लोग पानी में सोक करके रख देते हैं गाइस, तो बताती हूँ. हाय फ्रेंड्स, ये भी आप बोर हो रहे होंगे और आपको बहुत मस्ती करते हुए कुछ टाइम स्पेंड करना है. मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने फ्री टाइम पे कैसे एंजॉय करती हूँ विद माय फ्रेंड्स. एंजॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पे मनी भी अर्न कर सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू अर्न सम मनी बाय प्लेइंग क्रैश गेम द एविएटर. एविएटर गेम है forabet.com साइट पे, जो कि बहुत ही अच्छा और लाइसेंस साइट है. ये गेम बहुत ही सिंपल है, आपको बस बेट करना है और प्लेन टेक ऑफ करता है. प्लेन जितना ऊपर जाएगा आप उतना ही अर्न करेंगे, लेकिन आपको फास्ट एक्ट करना है, क्योंकि अगर आप जल्दी कैश आउट नहीं करेंगे तो आप बेट हार भी सकते हैं. लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स. शुरुआत में मैं लगाऊंगी 1000 रुपीज. देखिए प्लेन टेक ऑफ कर रहा है एंड आवर विनिंग इज ग्रोइंग. नाउ द मेन थिंग इज टू कलेक्ट द विनिंग इन टाइम. वी हैव वन 2110 रुपीज. से ट्राई करते हैं, लेट्स वेट फॉर द बेस्ट मोमेंट. अरे इस बार तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और खेलते हैं. और आई की अभी मैं 5000 तक रेस करके देखती हूँ, लेट्स सी क्या होता है. इट्स 2x ऑलरेडी और प्लेन और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. कितना हम लोग जीतेंगे? आप अपने विनिंग्स को इमीडिएटली कैश आउट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. मैंने जो प्राइस मनी जीता था उससे मैंने लिया है एडिडास का शू फॉर माई ब्रदर एंड ही इज वेरी हैप्पी. ये देखिए द एविएटर गेम आप कैसे खेल सकते हैं. आपको जस्ट forabet.com साइट पे जाना है, क्लिक रजिस्टर एंड डिपोजिट एनी अमाउंट, क्लिक कैसीनो और गेम्स पे जाइए. उसके बाद सर्च में आप द एविएटर टाइप करिए. देखिए द एविएटर आ गया है, अभी आप आराम से बैठ के खेल सकते हैं. यू कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट यूजिंग जी पे, फोन पे, UPI और पेटीएम. याद रखिए कि आप जितना ज्यादा डिपॉजिट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वेलकम बोनस मिलेगा. आई एडवाइस यू टू रिफिल योर अकाउंट फॉर एनी अमाउंट, बट ये याद रखिए आप जितना ज्यादा रिफिल करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होगा आपको बिगर बोनस मिलने का. होप यू विल विन अ जैकपॉट जस्ट लाइक. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है. एंड रिमेम्बर, प्ले रेस्पॉन्सिबली, दिस गेम इज फॉर 18+ ओनली. कि अभी हम लोग मेरीनेट कैसे करेंगे. तो मेरीनेशन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने 1.5 kg चिकन लिया है, और चिकन का लेग पीस भी लेग पीस से थोड़ा बड़ा लिया है साइज. और यहाँ पे है खट्टा दही, फ्रेश दही अभी भाई लेकर आया. ओह माय गॉड, देखिए इतना थिक दही, बहुत ही थिक है. जिंजर गार्लिक ग्राइंड किया मैंने, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च. अगर आप यूज करेंगे तो किड्स भी खा सकते हैं, क्योंकि किड्स को भी बिरयानी का बहुत शौक है, और ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते, क्योंकि अगर आप बनाओ तो सबके बारे में सोचना पड़ता है, फिर कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा तो अच्छा नहीं लगता. जीरा पाउडर, धनिया पाउडर,
मेक श्योर कि हर एक पीस अच्छे से कोट हो जाए दही में। हो गया है हमारा मैरिनेट रेडी। तो इसको हम लोग 4 घंटे के लिए, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जितना देरी रखेंगे उतना ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो अभी तो हमारे पास टाइम है नहीं, तो हम लोग चलिए 1 घंटा तक के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग अंडा बॉईल कर रहे हैं, ये भी बिरयानी में डलेगा। बिरयानी है ही इतना स्पेशल कि उसमें थोड़ा इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ में मैंने कुछ वेजीज भी नहीं डाला। आप चाहे तो और वेजीज डाल सकते हो, मटर, गाजर वगैरह। बिल्कुल हाई फ्लेम में पक रहा है। हल्दी, मोर रेड चिली पाउडर फॉर कलर। ओह माय गॉड, कश्मीरी लाल, इसलिए कश्मीरी लोगों का गाल पूरा लाल लाल होता है। देखिए इसका कलर। कुछ मसाला नहीं डालना है एक्सेप्ट ये शाही बिरयानी मसाला है, और वो भी मैं दूसरा ब्रांड नहीं, कैच का ही सजेस्ट करूँगी, इसका बहुत बढ़िया होता है बिरयानी मसाला। होल स्पाइस भी निकलता है यहाँ से, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। कलर इज लुकिंग अमेजिंग, वेरी ब्यूटिफुल, बी ब्यूटिफुल। जिंजर गार्लिक ग्राइंड वाला, ये मसाला का बेस बन गया है, लेकिन यहाँ पे जो मैरिनेशन वाला मसाला वो भी जाएगा, दही है जिसमें, तो बहुत अच्छा ग्रेवी बनेगा और राइस भी फ्लेवर हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, मसाला को पकने देते हैं। यहाँ पे आटा रेडी किया है दम लगाने के लिए, दम लगा के हिस्सा थोड़ा ज्यादा रेडी करिए क्योंकि यहाँ से हमें पूरा कढ़ाई को कवर करना है। बन जाएगा यहाँ में हमारा मैरिनेटेड चिकन। इसको थोड़ा सा फुल्ली फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करेंगे। चलाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पीसेस बहुत बड़ा बड़ा है। मैं डालने वाली हूँ 5x, यहाँ पे भी मैंने कट्स लगा दिया है यहाँ तक, सो देट इस मसाला इसके अंदर भी घुस जाए। अंडों का कलर कितना सुंदर हो गया है। राइस को फ्लेवर करने के लिए दालचीनी, लौंग, इलायची और बटर, सॉल्ट। इसको पूरी तरह कुक नहीं करना है, इसको हाफ कुक करना है क्योंकि इसको चिकन के साथ भी फिर से हम लोग पकाएंगे, अदरवाइज गीला बिरयानी राइस अच्छा नहीं होता है। थोड़ा उबाल आने पर हम लोग उतार देंगे। ये राइस पूरा कच्चा है, हम लोगों ने, मैंने हाफ बॉईल भी नहीं किया, इसीलिए मैंने चिकन का थोड़ा ग्रेवी रख दिया है सो देट चिकन का जूस में अच्छे से पक जाए। फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, इसको ढक देते हैं और ये वाला पॉइंट को हम, इसको हमको सील करना है। देखिए मैंने आटा से यहाँ पे पूरा क्लोज कर दिया है। ये दम में पकेगा, मतलब कि अंदर में जितना फ्लेवर्स है इसके अंदर ही रह जाएगा, और गैस एकदम लो कर दिया है। 1 घंटे तक या 45 मिनट्स तक लो हीट में पकाइए, अब बस वेट करना है। तब तक हम लोग सीजन का फ्रूट पाइनएप्पल एंजॉय करते हैं। इतना मीठा है ना ये पाइनएप्पल, बहुत बहुत मीठा है।
फ्रेंड्स ये देखिए मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये हम लोग सोलुंग में पहनेंगे। सोलुंग फेस्टिवल आने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। गाले भी रेडी है, ट्रेडिशनल ड्रेस सब रेडी है, तो ये हम लोग पहनने वाले हैं। और ये भी ये देखिए, सुबह बारिश हो रही थी और अभी धूप निकल गया है, कपड़ा सुखा दिया है। और आजकल तो बहुत बहुत गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। सुबह पता नहीं बारिश हो रहा था, अचानक से धूप कैसे निकल गया। थोड़ा बारिश भी दे दो यार। कैन यू हियर, सीटी जैसा आवाज़ आ रहा है लेकिन ये कड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे होल हो गया होगा तो वहाँ से स्टीम निकल रहा है। सो बी केयरफुल हाँ गाइस, अदरवाइज स्टीम ना आग से भी ज़्यादा गर्म होता है बोलता है ऐसा। इस ट्रे में हम लोग बिरयानी खाली करेंगे, बहुत ही बड़ा है ये। हमको लग रहा है चिकन ज्यादा हो गया, राइस कम हो गया। तो ये है हमारा कढ़ाई बिरयानी। बढ़िया लग रहा है, पर राइस भी अच्छे से पक गया ना, और मतलब गीला नहीं हुआ है, राइस भी अच्छे तो होना है ना। वाह इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। यहाँ पे खाली करते हैं, फिर थंबनेल के लिए फोटो खींचते हैं। ऐसा नहीं करते जो यूट्यूब वीडियो में देखते हैं ना, ऐसा 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 करके पापा देखते रहते हैं। इसको ना पहले राइस को पूरा इधर बिछा देते हैं, अंडा भी साथ में डाल सकते हैं। ये देखिए एक का अंडा, देखो पूरा ये ट्रेजर हंट जैसा है। अभी अंदर हमको और एक अंडा मिला है। माय गॉड, ये रहा हमारा चिकन पीस गाइस। बड़ा बड़ा पीस डाला है। वाओ लुक एट द कलर ऑफ द राइस गाइस। यहाँ में हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है जैसे कि शॉप में डाला जाता है। होम मेड हेल्दी एंड टेस्टी बिरयानी। धीरे धीरे मम्मी एक्सप्लोर कर रही है। ये देखिए एक मिल गया हमें यहाँ पे, एकदम केयरफुली, इतना ज्यादा नहीं, एकदम धीरे धीरे। यहाँ पे भी मिला एक, दिखाओ मुझे। कुरेत कुरेत कुरेत, बहुत बड़ा खजाना मिला है। ऐसा निकल जाएगा उसका। वाह कलर, देखिए यू नो व्हेन द मीट इज कुक्ड परफेक्टली, जब अपने आप से निकल रहा है वो हड्डी से। वाओ इसका कलर देखिए, ये तो पूरा हो गया मस्ती में। इसको ऐसे फैला देते हैं, पूरा डाल दिया। वाओ इतना बढ़िया लग रहा है ये तो पूरा। चलिए हम लोग खाते हैं बिरयानी। यहाँ रख दीजिए। आग बंद करके आओ, आग बंद, गिरना मत। अभी खोलो आँख, देखो। ओके सो मेरी गेस्ट आ गई है। आग बन ओके, मैं तो तुम्हारे लिए नहीं, हाथ आगे करो, सिर्फ आग बंद करो। लेकिन एक सेकंड का है, आग बंद करो। वाह गरम है, देखो। वाह पू, वाह
चिकन बिरयानी। मैं ट्राई करने जा रही हूँ। तूने बहुत प्यार से बनाया है, टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी देख रहा है। ये थोड़ी लोग बांग रहे। सबसे पहले ऑडियंस को देना होता है ना। चिकन लग पीस। आप खा लिया? हाँ हम खा लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। या फिर ये हम कढ़ाई में बनाए थे। कढ़ाई में बनाए, कुकर में, सुकर में, कुछ भी बर्तन में नहीं बनाया, सीधा कढ़ाई में। तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग करिए अपने स्टोरी पे, मैं अपने स्टोरी पे शेयर करूंगी। इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बोलिए कि नेक्स्ट आपको क्या देखना है, त्रिपुरी खाना, बोड़ो खाना और या कोई भी डिश आप टाइप करिएगा। और जिसमें जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा, ऐसा नहीं कि एक आदमी बार बार कमेंट करेगा, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा वो वाला डिश हम लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे। ओके गाइज, ओके, इतना अच्छा वाला रेसिपी बताया है। चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, बनता है। चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। खा चुका है वो। किसे भी तेरी को दो मत दो, उसको हो जाएगा, बहुत खा जाएगा।